नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, हमारे वीडियो पे एक कमेंट आया एक भाई का कि सर हमारे जोखिम की फसल हैं उसकी जो हाइट नहीं बन रही है, साथ ही साथ जो पौधे के निचले पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप उस कमेंट का देख सकते हैं किसान साथियों। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने अफीम की फसल की हाइट को बढ़ाएँ और जो ये पीलापन है वो कैसे दूर करें। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अन्य किसान मित्रों के हित में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं आज के टॉपिक की कि हम अफीम की फसल की हाइट कैसे बढ़ाएँ। यूँ तो किसान साथियों, प्रकृति के बहुत करीब चलती है यह फसल। मौसम में जरा भी उतार चढ़ाव आया कि इस पर विभिन्न रोगों का प्रभाव पड़ जाता है। आपने देखा होगा इस बार बुआई के समय टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि जो अफीम की फसल है वो सही से जम नहीं पाई है। एक बार जो अफीम का पौधा उसकी चौकड़ी हो जाती है, उसके बाद अभी तक अफीम की फसल ख़राब नहीं हुई है, यानी पौधे उड़े नहीं हैं, पौधे ख़त्म नहीं हुए हैं। लेकिन इस बार टेम्परेचर इतना हाई था कि हरे भरे खेत भी फिर से सूखे दिखने लगे। तो किसान साथियों, बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि अफीम की फसल की हाइट को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि किसी भी पौधे की हाइट को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों को पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, जिनमें एक अहम रोल निभाता है नाइट्रोजन। यदि आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी लगी तो उसकी हाइट अवरुद्ध हो जाएगी और साथ ही साथ यदि आपने दूसरी या तीसरी बार दाने छिड़के हैं अपनी अफीम फसल के, उसकी हाइट आप वैसी नहीं देख पाएंगे जैसे शुरुआत में उगे हुए पौधे की, चाहे आप कितना भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करें, जितने हो ज़्यादा जैविक जो फर्टिलाइज़र आते हैं उनका प्रयोग करें। क्योंकि इनसे एक तो हमारी ज़मीन को कोई नुकसान नहीं, हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं है। अब बात कर रहे थे यदि शुरुआती अवस्था में जमे हुए पौधे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो किसान साथियों इस समय आप देखे पा रहे होंगे कि मौसम कितना ख़राब चल रहा है, जो गेहूं के पौधों की हाइट भी सही से नहीं बन पाई है। सिर्फ गर्मी सहन करने वाली फसलें ही अच्छी चल रही हैं, जैसे सरसों हो गया या तोरिया हो गया, पीली सरसों हो गया। इसकी वेराइटियाँ क्या है कि गर्मी सहन कर लेती हैं इसलिए ये ठीक से चल रही हैं, लेकिन जो ये हमारी अफीम की फसल है इसको ठंड की बहुत ज़रूरत होती है और वैसी ठंड घेर नहीं रही है, तो इन पौधों की हाइट नहीं बन पा रही है। इसके लिए किसान भाइयों, आपको जो सिंचाई का अंतराल है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि गर्मी ज़्यादा है तो पौधे को पानी की आवश्यकता अधिक है, लेकिन सिंचाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखें आप कि आपके खेतों में पानी भरा न रहे। क्यारियाँ ही इस हिसाब से बनाए आप शुरुआत में बुआई के समय कि उसमें पानी टिके नहीं, पानी जितना भी आए बहकर निचली साइड में चला जाए, और यदि क्यारे में पानी टिक रहा है तो उसका मुंह नीचे से खोल दें, अतिरिक्त पानी आप निकाल दें। अपनी ज़मीन की मांग के हिसाब से आपको सिंचाई करना है। सामान्यतः 30% जब नमी रहती है उसी समय आपको फिर से सिंचाई लगा देना है, क्योंकि पानी की कमी से पौधा तनाव में आएगा और निश्चित रूप से उसमें स्ट्रेस बढ़ेगा तो उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। और पानी के साथ आप यूरिया घोल के चला सकते हैं इस अवस्था में, लेकिन आपको एक लिमिटेड मात्रा में चलाना है। ऐसा ना हो कि हाइट बढ़ाने के चक्कर में आप ज़्यादा यूरिया दे दें, उससे क्या होगा कि एक तो पौधे की हाइट अधिक हो जाएगी और पौधा बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, उस पर रोगों का और कीटों का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के आपको ज़्यादा यूरिया देने से नुकसान होगा। आप सीमित मात्रा में चलाएं, अति हर चीज़ की बुरी है जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता आया हूँ। और आप जब भी कोई फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर यानी जो एमिनो एसिड्स वगैरह आते हैं उनका प्रयोग करना है। आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो नियामक है उसका प्रयोग नहीं करना है, जो प्रमोटर है उसका प्रयोग करना है। इस बात का ध्यान रखें, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो अति जो वृद्धि हो रही है उसको रोकते हैं, और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो होते हैं वो होते हैं पौधे के उचित विकास। अगर उसकी वृद्धि नहीं हो रही है तो उसमें हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं।
तो उनका प्रयोग आपको करना है। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं पौधे में निचली पत्तियों का पीला होना। तो किसान साथियों, ये एक स्वाभाविक बात है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हमारे बाल श्वेत हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब फसल का विकास होता है तो निचले की पत्तियों का पीला होना स्वाभाविक है, यह कोई रोग नहीं है। यदि ऊपर की पत्तियाँ पीली है तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है, हो सकता है उसमें कुछ कीटों का प्रकोप हो, किसी फंगस का प्रकोप हो या किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो। तो इस बात का ध्यान रखें, निचली की पत्ती का पीला होना कोई बड़ा रीज़न नहीं है, वो स्वाभाविक है और होगी ही होगी, चाहे आप कैसा भी फर्टिलाइज़र दवा यूज़ कर लीजिए। हाँ, एक बार पौधों की सघनता और जो विरलीकरण होता है उससे थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है कि जहाँ पर अफीम के पौधे दूर दूर हैं वहाँ पे जो पीलापन है वो आपको कम दिखाई देगा, लेकिन जहाँ फसल के पौधे घने हैं वहाँ पर ये पीलापन आपको ज़्यादा दिखाई देगा। इसका एक कारण सूर्य का प्रकाश भी उन पत्तियों तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि ऊपर की पत्तियाँ नीचे तक प्रकाश को नहीं जाने देती। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे की पत्तियों का पीलापन यदि नाइट्रोजन की कमी के कारण हो रहा होगा तो वो भी स्वाभाविक रूप से यदि आप यूरिया देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य किसान मित्रों के हितों में शेयर कीजिएगा। अन्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम अपने अनुभव के आधार पर आपको अपनी जानकारी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तो ख्याल रखिए आप अपना और अपनी फसल का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।